नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। देश में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, पीएम मोदी ने दिए संकेत। देश में बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने फिर से देश में लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना पर विराम लगा दिया है। पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि देश में लॉकडाउन नहीं बढ़ाई जाएगी और छूट का दायरा और बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संवाद में लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए हमेशा मास्क पहनने के लिए आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें संक्रमण से बचाव के लिए अभी बहुत सचेत रहना है, हमें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क हमेशा लगाना चाहिए, साथ ही थोड़े थोड़े देरों में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना चाहिए। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 जून को उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 और 20 जून को उत्तर जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रामगढ़, चतरा, लातेहार और हजारीबाग के कुछ हिस्सों में तेज रफ्तार से हवा चलने के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई है। संक्रमण की वजह से बिना सुरक्षा के नहीं खुलेंगे स्कूल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि संक्रमण की वजह से बंद पड़े स्कूल शिक्षण संस्थान बिना सुरक्षा मानकों को पूरा किए नहीं खोले जाएं। आयोग ने झारखंड सरकार से स्कूल खोलने की तैयारी के साथ साथ अगले साल होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी पर भी रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि स्कूलों को बिना सैनिटाइज किए नहीं खोलना है, शिक्षा बच्चों का अधिकार है और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। झारखंड में 34 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो सिमडेगा से 24, रिम्स से 3, रामगढ़ से 2, लोहरदगा से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2, गढ़वा से 1, गुमला से 1 है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1805 से बढ़कर 1839 हो गई, जबकि 1121 लोग स्वस्थ हुए, 9 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 353,641 है, जबकि 187,258 लोग स्वस्थ हुए, 11,903 की मृत्यु हो गई। झारखंड में 6.89 लाख प्रवासी और 390 विदेशी लौटे। झारखंड के मुख्य नोडल पदाधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अब तक 6,89,000 से अधिक लोग राज्य से बाहर झारखंड आ चुके हैं, जिनमें से 5,11,633 लोग को प्रवासी मजदूरों के रूप में चिन्हित किया गया है। श्री सिंह ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 390 लोग विदेश से झारखंड वापस आ चुके हैं, जिनमें से 234 लोगों ने अपना क्वारंटाइन का पीरियड पूरा कर लिया है, जिसमें से 21 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल ने बताया कि भारत में अब तक कुल 238 ट्रेनें विभिन्न राज्यों से आई है, जिसके माध्यम से 3,10,340 लोगों को लाया गया। शेष मजदूर बस एवं हवाई मार्ग से आए हैं। ग्रामीण विकास विभाग में 1485 पदों पर भर्ती। राज्य में ग्रामीण विकास विभाग में 1485 पद खाली हैं, इन पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। विभागीय सचिव आराधना पटनायक ने 15 दिनों में इसकी प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। पद और रिक्तियां इस प्रकार है: ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के 81 पद, टेक्नीशियन असिस्टेंट के 115 पद, टेक्नीशियन असिस्टेंट जेई के 291 पद, कंप्यूटर असिस्टेंट के 85 पद तथा सबसे ज़्यादा रोजगार सेवक के 789 पद पर भर्ती होगी। आपको बता दें कि जून से अगस्त तक रिक्तियों को भरने का पूरा कार्य किया जाएगा। उधर सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड ने 30 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी योग्यता 10वीं पास है। इच्छुक उम्मीदवार 27 जून 2020 तक अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री और सुदेश महतो की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो से मंगलवार 16 जून को मुलाकात की। इस दौरान आगामी 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव पर चर्चा हुई। हेमंत सोरेन और सुखदेव महतो के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताया, तो वहीं सुदेश महतो ने भी इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा। आपको बता दें कि इस मुलाकात में राज्यसभा चुनाव में सहयोग के साथ साथ उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। झारखंड में शुरू होगा स्वास्थ्य सर्वेक्षण। झारखंड में बढ़ते संक्रमण के बीच अब स्वास्थ्य सर्वेक्षण का काम शुरू किया जाएगा। 18 जून से राज्य भर में स्वास्थ्य सर्वेक्षण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस दौरान डेंगू व कालाजार जैसी बीमारियों से बचाव को लेकर छिड़काव भी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि 18 जून से राज्य भर में जाँच के साथ साथ रसायन का भी छिड़काव किया जाएगा।
निजी अस्पताल संक्रमण के इलाज को तैयार नहीं। निजी अस्पतालों के संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर और झारखंड आईएम ने निजी अस्पतालों में संक्रमित व्यक्ति के इलाज के सरकार के फैसले का विरोध किया है। निजी अस्पताल के संचालकों और आईएमए पदाधिकारियों ने बैठक के बाद निर्णय लिया। उन्होंने सरकार को ऐसा करने से मना करेंगे। खबरों के अनुसार एक दो दिनों में संगठन के प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ मिलकर निजी अस्पतालों में इलाज करने से मना करने का ज्ञापन सौंपेंगे। बीआरपी सीआरपी महासंघ का आंदोलन। बीआरपी सीआरपी महासंघ झारखंड प्रदेश की ओर से सोमवार से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान महासंघ ने पूर्व से जारी ऑनलाइन पढ़ाई को ठप कर दिया तथा स्टडी मटेरियल को भी शिक्षकों व छात्रों तक पहुंचाने से रोक दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झारखंड राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा वार्ता के लिए महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया। आश्वासन दिया गया कि मई के मानदेय के साथ साथ अन्य बकाया भी भुगतान कर दिया जाएगा। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में अब ऑनलाइन होगी पढ़ाई। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में संचालित 65 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के क्लासरूम स्टडी से लेकर एग्जाम तक का तौर तरीका बदलने वाला है। उम्मीद है कि नए सत्र से यह सारी प्रणाली ऑनलाइन कर दी जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला के साथ छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिसकी व्यवस्था शिक्षकों के द्वारा की जाएगी। लोहरदगा में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार पर जांच का आदेश। लोहरदगा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या का सनसनी मामला प्रकाश में आया है। इस घटना को लेकर एक व्यक्ति ने सीएमओ और पीएमओ के अलावा लोहरदगा डीएफओ को ट्वीट कर जानकारी दी थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लोहरदगा डीएफओ विकास कुमार उज्वाला ने जाँच का आदेश दिया है। डीएफओ ने कहा है कि मामला गंभीर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर वन्य प्राणी संरक्षण की पहली कैटेगरी में सम्मिलित हैं। इसकी हत्या कर जघन्य अपराध किया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का बयान दर्ज कर घटना में सम्मिलित लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जांच का आदेश दे चुके हैं। रिम्स के 90 स्वास्थ्य कर्मियों की जांच आज से शुरू। रिम्स में रविवार को 9 संक्रमित मरीज मिलने के बाद सोमवार को रिम्स प्रबंधन ने संपर्क में आए सभी डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ की सूची तैयार की है। इस सूची में 90 डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ के नाम सम्मिलित हैं। सूची इतना बड़ी संख्या में है कि एक साथ सभी की जाँच नहीं कराया जा सकता है, ना ही सभी को एक साथ क्वारंटाइन में भेजा जा सकता है। रिम्स निदेशक ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ को एक साथ क्वारंटाइन में नहीं भेजा जा सकता है। सीबीएसई ने टीचर्स एंड प्रिंसिपल अवार्ड की प्रक्रिया शुरू की। सीबीएसई ने टीचर्स एंड प्रिंसिपल अवार्ड 2019 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई तक किया जा सकता है। इच्छुक व योग्य शिक्षक और प्राचार्य सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसमें वैसे शिक्षक भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपने शिक्षण कार्य के दौरान अलग हटकर कुछ विशेष किया हो। आपको बता दें कि चयनित शिक्षक को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर अवार्ड के तहत सर्टिफिकेट सहित 50,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। कोडरमा जिला के 80,000 छात्रों को मिलेगा स्कूल किट। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कोडरमा जिला के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत करीब 80,000 बच्चों को स्कूल किट उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर से जिला को कुल 1.80 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। यह राशि सीधे स्कूल के एसएमसी खाते में भेजी गई है। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 8 के बच्चों को इस स्कूल किट के तहत पेन पेंसिल रबड़ कटर तथा औजार बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। साहिबगंज में गंगा बाढ़ को देखते हुए स्टाक फोर्स का गठन। झारखंड में गंगा सिर्फ साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है। साहिबगंज जिला के राजमहल और बरहवा इलाके में हर साल बाढ़ का कहर देखने को मिलता है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने स्टाक फोर्स का गठन किया है। उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि साहिबगंज जिले में मानसून का आगमन हो चुका है। पूर्व में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गंगा घाट के निकट व आसपास के ग्रामीणों आवासीय लोग बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, जिसे बचाने को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ढोलू महतो ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की मांगी इजाजत। बागमारा से भाजपा के विधायक ढोलू महतो ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में सम्मिलित होने की इजाजत मांगी है। निचली अदालत ने वोटिंग में सम्मिलित होने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। जेल में बंद ढोलू महतो पर गंभीर आरोप हैं। रांची मेन रोड पर बनेगा एक और ROB। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मेन रोड के राजेंद्र चौक से सीरम टोली चौक के बीच रोड ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।
यह पुल बन जाने से मेन रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सकती है। इसी बीच रांची के महात्मा गांधी मार्ग और स्टेशन रोड में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने एक अतिरिक्त आरओबी बनाने को लेकर पथ निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। देवघर मंदिर में भीड़ रोकने के लिए मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति। देवघर उपायुक्त नैनी सहाय के निर्देशानुसार महामारी से बचाव, रोकथाम एवं इसके संभावित प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है। बाबा मंदिर के प्रवेश द्वार पर काफ़ी भीड़ हो जाने के कारण रोक लगाने हेतु पालीवाल दंड अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति 3 पीरियडों में की गई। प्रथम पाली 4 बजे से 9:30 बजे तक, द्वितीय पाली 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक तथा तृतीय पाली 2:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया गया है। कोयला खदानों की नीलामी 18 जून को, झारखंड को मिलेगा 90,000 करोड़। भारत सरकार की ओर से 18 जून को शुरू होने जा रही नीलामी प्रक्रिया में झारखंड की 22 कोयला खदानें भी सम्मिलित है। इस सभी के नीलामी होने पर झारखंड के खाते में कुल 90,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। हर कोयला खान में खनन की अवधि 30 साल की होती है। इस तरह हर साल झारखंड की खाते में 3,000 करोड़ आएंगे। झारखंड के 50,000 सखी मंडलों को दिए 75 करोड़ का फंड सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 50,000 सखी मंडलों के लिए 75 करोड़ रुपए फंड की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। इसमें से हर सखी मंडल को 15,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए गए, जिससे जुड़े 6 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने गुमला, रामगढ़, दुमका और चाईबसा से आई सखी मंडलों की महिलाओं से कार्यों की जानकारी भी ली। हुल क्रांति दिवस मनाने के लिए समिति का गठन। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने 30 जून को क्रांतिकारी वीर सपूत शहीद सिन्नू कान्हू चांद भैरव की स्मृति में हुल क्रांति दिवस मनाने के लिए एक आयोजन समिति का गठन किया। समिति में संयोजक अनादि ब्रह्मा, सदस्य के रोशन लाल आदि सम्मिलित थे। राज्य में दोपहिया वाहनों के खिलाफ 15 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान डीजीपी। झारखंड के डीजीपी एमबी राव ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में 15 दिनों तक दोपहिया वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीजीपी मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि छोटी मोटी घटनाओं जैसी लूट की घटनाओं को अंजाम देने में बाइक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसे लेकर पूरे राज्य में 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों में दी गई किताबों की होगी जांच, सभी जिलों से मांगी गई सैंपलिंग। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बांटी गई किताबों की जांच की जाएगी। किताबों की गुणवत्ता सही है या नहीं, इसके लिए सभी जिलों से अलग अलग क्लास की सैंपलिंग की मांग की गई है। किताबों की सैंपलिंग में गड़बड़ी मिले तो संबंधित प्रकाशकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं। भारत चीन सीमा पर तनाव के बाद मजदूरों को लद्दाख ले जा रही ट्रेन कैंसिल। भारत चीन पर तनाव के बाद सड़क निर्माण के लिए संथाल से 1600 मजदूरों को ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन मंगलवार को रद्द कर दी गई। यह स्पेशल ट्रेन शाम 7 बजे दुमका से चंडीगढ़ के लिए चली थी। वहां से चंडीगढ़ से बसों से मजदूरों को लद्दाख और उत्तराखंड ले जाना था। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।